किराए पे है किराए पे है दामाद जी, किराए पे है जानती हो। हाँ, घर के सारा कपड़ा इहे सी ले ले। गाना गाती हो जी? देख सुनाओ। ओम जय जगदीश हरे। और डांस? हाथ गोड़ सब ठीक बा, चला के देख ली ना। त्रिभुवन, लड़की तो सबके पसंद भी आ जी। हम तो सख्त खिला पानी दहेज के, हमके दहेज के बारे में कुछ नहीं के बात करेंगे। तोहरा कुछ बोले के बात तो बोला। देखी बहन जी, देखा राजू, लड़का सरकारी नौकरी में बा और सरकारी स्कूल में क्लर्क बा,
आ सरकारी नौकरी वाला के आजकल कितना भाव बढ़ल बा। देखा हमनी के तो कुछ चाही ना, लेकिन इस समाज के दिखावे खातिर तू लोग 2,51,000 तिलक में चढ़ा दिया। देखा राजू, रमेश तोहार बहनोई बने वाला बाड़े, आई साइकिल से स्कूल जात बाड़े, तो इनकरा के एगो बुलेट तू दे दिया। बाकी घर में यूज होखे वाला सामान होला, जैसे कि फ्रिज हो गए, टीवी हो गए, एसी हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, ये सब तू अपना बहन के यूज करे खातिर दे दिया अपना खुशी से। ठीक बा, एमे और कुछ कहे के बात तक कहा। अब ठीक बा। जजमान, दोनों तरफ से मामला फीते बा तो लगे हाथ सगाई कर लिया जाए। बउआ रमेश, भाई लड़की के पहना दा। एक मिनट। ऐसे मंगनी होता? अरे जीजा जी, बड़ा सही से टाइम पहनी है, सुगंधवा के मंगनी होता। तोहरा मंगनी में शामिल होके ना, तोहरा पहन के छोड़े आई नहीं। वो हमेशा हमेशा खातिर। अरे कैसा मजाक करता है। मजाक? मजाक हम कहले बाड़ी कि तू लोग कहले बड़ा जा। अरे शादी कितना दिन हो गई, एको लड़का नाम है। अरे ऐसा कोनो डॉक्टर हकीम नहीं जाके ना देखले हो खाओ, पानी की तरह पैसा खर्चा कर ले पानी, लेकिन कोनो फायदा ना है। बस एक के उपाय बा, डॉक्टर कहता IVF करे के, जेकरा में 4-5 लाख का खर्चा बा। अब हमरा लगे जितना रहा सब खर्चा कर दिली इनके बीमारी। देख राजू, एक बार कान खोल के सुन ले, हमारी घर वालन के खानदान बढ़ावे के वंश चाहिए, ऐसा मेहरारू ना। अच्छा यार, तोरे लगे 4-5 लाख रुपया हो जाए ता एकरे के पहुंचा दिया हमारे घरे, और ना ही तो ऐसे नैहर में रख के चिमड़ी पटवाई। सुन देखे ना, सब रिश्तेदार तमाशा देखा, तकाब करी रिश्तेदार लोग के हाथ फोड़ दे। तोनो लोग आइल बड़ा ऐसा शादी करे ना, देख लिया जा, यही खेत के खेती हो। ब्रह्मा के लिखल के मिठाई, एक न एक दिन भगवान तुहार को जरूर भरिए, हमार बिटिया भागन ना हो सके। को डोर ना, विश्वास। हम जाना तानी
कि वक्त के पेड़ से कुछ दुख के पत्ता हमने के ऊपर गिरा बैठे, पर खुशी के कोपर जरूर खेली, जरूर खेली। ये तेरा भाई के विश्वास है। तोहार छोटकी बहन सुगंधवा के रिश्ता टूट गईल बा और बड़कियों ससुराल से वापस आ गईल बिया, तहरा त डबल झटका लागल बा बेटा। तनी पानी ले बे हाथ धोए के बा। ले आ तनी। सुगंधा, ए। तनी हमारे दुचार को कपड़ा एको बैग में रख ले आओ तो। कहीं मामा की यहाँ जात बड़ा का? ना माई। दिल्ली जाता है। दिल्ली का करे? काम करे, पैसा कमाए। कहीं यहाँ काम ना बका? बा माई, खेती करे के बा, गेहूं काटे के बा, धान काटे के बा, बाकी उसे पैसा ना कमाई जा सकेला माई। हमरा अपन दोनों बहन का उज्जवल घर बसावे खाते जितना पैसा चाहिए वो खेती से ना सकेला माई। ए राजू, हम नैहरे के माटी के छोड़ के कहीं मत जाइया। ते हमरा के रोक के वो बहन होके के फर्ज अदा कर दे। बाकी हमरो तो कुछ फर्ज बनेगा। बाऊजी ने कहा था कहाँ पे? हम तोनी के कोनो कमी ना होखे। हमरा के मत रोक। अगर आज हमरा के रोक बसन, हम कभी ना जा पाएंगे। हमरा के अपने दो को बहन के घर बसाने के बाद, एक वो बहन खाते नया घर ढूंढने के बाद, ते एक वो बहन को उछलन दुनिया बसावे के बाटे माई। हमरा के चाहे दे माई, चाहे दे। रो मत माई, ते हमरा के आशीर्वाद दे दे बना तो हम दुनिया जीत ले। We'll be right back.
floor, baby. Get the guy's sweet dance. Sweet dance, come on. मैं नहीं वो आएगा, उसका अपना घर उसके लिए मायका और मेरा घर उसका ससुराल होगा। मेरे चाय से लेके मेरे जूतों से लेके मेरे कपड़ों तक का सबका ख्याल वो रखेगा। मेरे पापा को अपना पापा और मेरी दादी को अपनी दादी कहेगा। अगर ऐसा लड़का मिल गया कर लूंगी मैं शादी। कहां मिली ऐसा लड़का? वो मिल जाए माई। पापा मैं बताती हूँ ना, वो मैट्रिमोनियल एड नहीं देखा आपने? हाँ। वो होता है ना सुंदर सुशील कन्या चाहिए शादी के लिए, 5'6", गृह कार्यों में दक्ष, वैसा ही एड आप दीजिए। एक सुंदर सुशील पार्टी करने वाली दारू पीने वाली एक अमीर लड़की के लिए टॉल डार्क हैंडसम वर आमंत्रित है और दहेज देंगे हम 15 लाख रुपए। यस बेटा करेक्ट। और कुछ शर्तें और रहेंगी, लड़का मिल गया तो उसको बता दूंगी। ठीक है दादी। ओके पापा। यस बेटा। अब मैं जाऊं। यस थैंक यू पापा, आई लव यू। बाय बाय दादी। का ठीक बा? एक बार शादी हो जाए माई सब ठीक हो जाए। ₹10।
बारे में बता दूं। वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए बता देती हूँ। मैं हूँ साक्षी और ये है मेरे डैड जमुना दास जी। और मेरी दादी तो आई नहीं है क्योंकि उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। यू नो, पुराने ख्यालात के लोग ये सब देख नहीं पाएंगे। बाय द वे, आप सभी भावी वरों का स्वागत है जो कि 15 लाख रुपए के लिए यहाँ आए हुए हैं, और साथ में एक खूबसूरत बीवी भी मिलेगी। क्या बात है। वैसे यही काम दहेज का आप तब भी करते हैं जब लड़की विदा करा के ले जाते हैं, पर मैंने इस रस्म को थोड़ा सा चेंज किया है। दहेज में 15 लाख तो आपको एकदम मिलेंगे, लेकिन विदा होने की रस्म में थोड़ा सा बदलाव है। पूछो पूछो। क्या? अरे पूछो ना। नहीं पूछना? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। विदा होके मैं आपके घर की बहू नहीं बनूंगी, लेकिन आप लोगों में से जो लकी होगा वो मेरे घर का घर जमाई बनेगा, है ना डैडी? यस। लेकिन 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 शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। ओके डन। और हाँ, सबसे अहम बात, इस शादी के 6 महीने के दौरान में ये ख्याल भी मन में नहीं लाना कि सुहागरात नाम की कोई चीज भी होती है। मुझसे फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और अगर गलती से हमारा हाथ टच हो जाए तो उसे हमारी बेतकल्लुफी समझ लेना। अब सभी लोग ध्यान दें कि ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होगी, और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में शादी के कोई भी पारंपरिक रस्मों रिवाज नहीं होंगे, और वो सारे काम करने होंगे जो कि एक पत्नी अपने पति के लिए करती है, जैसे कि झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका, खाना बनाना, सबकी सेवा करना, हाथ पांव दबाना, मेरे नहीं मेरे छोड़ के। और इस 6 महीने के दरमियान मैं ये तय करूंगी कि मुझे इस शादी को आगे बढ़ाना है या नहीं। अगर आप मेरी शर्तों पे खरे नहीं उतरे तो ये शादी अपने आप टूट जाएगी विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। और अगर आप में से किसी को मेरी ये मामूली सी शर्तें मंजूर हो तो वो सामने आ जाए। हमसे नहीं होगा। अगर आप नहीं तो शादी नहीं। 15 लाख नहीं चाहिए। नाम क्या है आपका? राजू। सारी शर्तें सुन ली आपने? जी। मंजूर है? जी। ओ, 15 लाख रुपया। देखा डैडी, पैसा बोलता है। मिल गया आपको घर जमाई? यस बेटा। और हाँ, ये आप मैंने आपको पहली और आखिरी बार बोला है, ठीक है? शादी मुबारक हो। जी मुबारक हो। साक्षी की सारी शर्तों के साथ आज से आप लोग 6 महीने के लिए पति पत्नी हुए। अब राउर हो गई, अब हमार रसम बाकी। बात दादी, ये सब क्या है? बहुत सुहाना, चल माला पहना। ए बेटा तू बोला। दहेज की रकम
आज से तुम जमुना दास जी के दामाद हुए, सारी शर्तों के साथ, किराए के दामाद। चले जमुना। अपना बेटी से दामाद के सिंदूर का है ना लगवा देला। प्लीज बेटा कर लो ना। डैड। ओके बेटा ओके। माई ऊ करे चाहे ई करे, एक के बाद घर में आ जाए दाना। आवा बेटा। सुन लिया? तो अब करो ना। जी मैडम। आवा बेटा। किराए पे है एक शॉट साक्षी के सुहागरात के नाम जा तो सही, वो वेट कर रहा होगा। सुहागरात माय फुट। डिस्टेंस 3 feet 6 feet सब ओके गो गेट लॉस्ट इडियट टू हागरा। भैया भोजपुरी अंदाज जिंदाबाद। <स्थाथ
पहला इंसान बाड़ा जे भक्ति के धारा बहेले बा ना तो हमार बेटा ओकरा तो नोट गिने से फुर्सत देखे और पोती के दारू पार्टी से फुर्सत देखे। ए बेटा तू कुछ ऐसा करा कि ये रिश्ता निभ जाओ। जीता दे बरसात ऐसन दामद सबके दिया माता रानी बहुत अच्छा लेता बराजो। या देवी सर्वभूत शक्ति रूपे सस्ता नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः। देखल जाओ मैडम जी का गिफ्ट लेल बड़ी भाई। बाप बेटा नाम के बानी हम भतार किराया पर ही सही। मैडम जी सगरे नौकरन के छुट्टी देके हमरा के खुदे नौकर बना दे ली बाकी थोड़ा स्टैंडर्ड वाला कोनो दिक्कत नहीं है भैया। ये पैर कब लग जाता नहीं काम पर पापी पेट के सवाल बा काम तो कर ही के पड़े। जय राम जी की। इतनी जोर से पूजा कौन करता
नाइसली। थैंक यू। अरे राजू जी, मेरी ना फ्रेंड्स आ रही हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाओ, ठीक है? जी। वो कोई रिवाज भी होता है ना, वो क्या नई बहू का खाना बनाना, क्या कहते हैं उसको? बहु भोज। हाँ, बहु भोज। वो भी हो जाएगा और मेरी फ्रेंड्स का स्वागत भी हो जाएगा जी। है ना, अ कल्ट टू एक्ट, एक पंथ दो काज। ओके। ए सुगंधा, फोन देता। माई भैया का फोन है। भैया। माई, पैसा हम भेज देले बानी, 4 लाख दीदिया के यहाँ भिजवा दिए, ओकर इलाज हो जाए, और बाकी के पैसा से सुगंधवा के ब्याह धूमधाम से करी है। अरे वो सब तो ठीक बा, बाकी तू अपन सुगंधा के ब्याह में ना आई बा। ना माई, नया नया नौकरी लागल बाटे, टाइम ना मिलता। वैसे भी हमारी अहिले का टेंशन मत ले तू। राजू एगो बात बतावा, तू इतना पैसा भेजला कहाँ से? अरे भाई, हमारे जैसे ठानी बाड़ी ना, वो बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छी बाड़ी। हम उनका के अपन समस्या बतौनी और वो हमारा का पैसा दे दे। अकी माई, हम 6 महीना तक एगो कॉन्ट्रैक्ट पर बानी, और वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पर हम एजा से हिल ना सके, ठीक ना? हम आई चाहे ना आई, सुगंधवा का ब्याह धूमधाम से करेंगे। राजू का कहलस बताओ ना। हाँ माई, भैया का बोल ले? बोलत रहे पैसा तो भेज दे ले बा। बाकी सुगंधा के ब्याह में ना आ पाए। बाकी इतना पैसा वो कहाँ से भेज दे रस? बोलत रहे सेठानी बहुत बढ़िया ब्याह, कौन काम करामत हुई। तो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और बीबी सोएगी टांग पसार और मियां खाना पकाएगा। अरे राम, अरे राम राम। अरे ससुर जी, रहुआ आईजा, ई का करत नहीं दमाजी, इतना सब्जी बनावता नहीं? देखी रौरी, बहू के आज बहु भोज बा, और बेटी आई मीन राउर बेटा आज अपना सहेली लोन के साथे खाना खाई, तो कहलिए कि खाना वाना बना के रखी है, तो खाना पीना की तैयारी में लागल। बुझ गेनी बुझ गेनी, बहु भोज के भी रसम तोरे दिभावे के। हां सही बुझनी है रहुआ। दमाजी एगो ऑफर बा। हुका? सारा खाना होटल से ऑर्डर कर दिया जा। ए ससुर जी, रहुआ का है का टेंशन लेता नहीं, राउरी दामाद राजू मल्टी टैलेंटेड लड़का है। हाँ, खाना ऐसा बनाए ना कि जितना जनी आओ तो लोग एकदम अपन औरी चाटत चाटत जाई लोग। वाह बेटा वाह। दामाद जी, रहुआ जनते बानी हमार बेटी बहुत बिगड़ैल बिया, ओकरा चलते कोई भी दिक्कत हो तो ओकर हम क्षमा मांगत नहीं। रहुआ ही का करत नहीं, कोनो दिक्कत होए ना तो हमरा से बताई। ठीक बा, बनाई बनाई खाना बनाई। वाह, इतना लजीज और टेस्टी खाना किसने बनाया है? ये मेरे दामाद राजू ने बनाया है। साक्षी, यू आर सो लकी जो तुझे राजू जैसा हस्बैंड मिला। काश मुझे भी राजू जैसा हस्बैंड मिलता। नैना, वो साक्षी का हस्बैंड है, कोई भंडारे का प्रसाद नहीं जो हर किसी को मिल जाएगा। यार वैसे खाना तो बहुत टेस्टी है, लेकिन अब मुझे मजा नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? यार वो कल रात को सोते वक्त ना गर्दन में थोड़ी मोच आ गई थी। अरे मैडम, मोच भगावल तो हमारे दाएं बाएं हाथ का खेला बाटे, खड़ा होके तो यस यस घूम जाए। हाँ देख के एकदम फ्री छोड़ के खड़ा रही, कैसा लगा था? बढ़िया बढ़िया। एक मिनट के बस बात बात तन ही अपन गर्दनिया तन फ्री रखी। कूल 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 यस। अब देखी था यार राजू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे भोजपुरिया हाथ के जादू है, बैठी अब दबा के भर पेट खाना खाई। ए राजू बेटा, हमरो घुटना में बड़ा दर्द रहेला, चले फिरे में बहुत दिक्कत होला। अरे दादी पहले ना बतावल चाहत रहला, बिहने ले इंतजार करें, काल सवेरे पतीली में नीम के पत्ता डाल के पानी गरम करके रौरी गोड़ के सेकाई कर दे, एक मिनट में दर्द गायब। और आज से ना हम इसको राजू नहीं डॉक्टर राजू कहेंगे। ओके ओके ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं। और तुम शाम को हमें मिल रही हो ना पप्पी साक्षी? हाँ आऊंगी ना। नहीं
हमें लगा कि अब तुम्हारी शादी हो गई तो पति के डर से तुम नहीं आओगी। पति, my foot। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो पति से डरती हो। ठीक है, फिर हम लोग रात को मिलते हैं तुमसे पब में। ओके, बाय साक्षी। बाय। अच्छा, बाय, 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 संभार के जाइए सबे। चलो, हाँ, बाय। घरेलू उपचार की दुकान खोली हुई है, क्या जरूरत थी उसकी गर्दन ठीक करने की? मैडम जी, हम तो बस मेहमान के मेहमान नवाजी करते हैं। वो तकलीफ मेरा ली है और उनका तकलीफ हमसे देखा ना गई है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, समझे? स्टे अवे फ्रॉम माय फ्रेंड्स। और पान खोल के सुन लो, अगली बार ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू सैंडल कहाँ है? सैंडल लाओ फटाफट। मेरी घड़ी की तरह ब्रेसलेट दो जल्दी, और परफ्यूम किधर रखा है? परफ्यूम? अच्छा ठीक है, मेरे कपड़े दो जल्दी से। राम 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 राम, घोर कलयुग आ गई बा, अपना पति से सैंडल मांगती है। ये मैडम जी, मैं साड़ी पहनूंगी, ड्रेस दो। ये तुम्हारे सामने चेंज करूंगी। गेट आउट। अरे दादी, रुआ इजा। बेटा, कितना गम साहबा, हमके सब पता बा। अरे हमरा कुछ गम नहीं है, चला तार गोड़ दबाओ तनी। अब हाँ। अब बतावा दादी, घुटना के दर्द में वही दिन से आराम भइल बा कि ना? अरे तुहार हाथ में जादू बा। आ गईल बनाचारी, अब रात भर जाई पी ही और सवेरे आई। जा पूछ ला कुछ खाई। हाँ पूछा तनी। मैडम जी, दादी पूछा तनी राती के खाना खाई ना? मैं खाना खा के आऊंगी, तुम खा लेना और ऊपर जाके रूम की साफ सफाई कर देना। जी। बाय दादी। ये दादी, ये सच्चों में बना चरिया का हूँ। ना तक चट्टू के। Thank you.
अब मैडम जी संभाल के। Don't touch me। मेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? रवा कीरे वाला रानी है मैडम जी। मैं गिरूं या मरूं? तुम्हें इससे क्या? खबरदार अगर दोबारा ऐसा किया तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी मैडम जी। हर बार हाथ लगाता है, इसको लगता है यही संभाल सकता है मुझे। तोड़ दूंगी एग्रीमेंट 6 महीने से पहले। खाली चाहे पे है दामाद जी किराए पे है दामाद जी किराए पे है। क्या बात कर रहे हैं? से ज्यादा ना खा पाई भा। अच्छा ठीक है वाले। गांव का खाना इतना टेस्टी होता है, इसीलिए ये इतना हट्टा कट्टा है। माई, राजू हमने के इतना बढ़िया खाना बना के सरप्राइज दे रहा है, तो हमनियों के इनका सरप्राइज देवे के चाहिए। हां
हनीमून के परमिशन। अरे तो हम हूँ आशीर्वाद देता नहीं। What permission, Dad? मुझे आज तक कोई काम करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत पड़ी है क्या? अगर मुझे जाना होता तो मैं चली गई होती। मैं इसके साथ हनीमून पे जाऊंगी, कभी नहीं। और वैसे भी ये शादी मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे की है और अभी इसका ट्रायल चल रहा है। अरे बेटा, जैसे तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे शादी किया है ना, उसी तरह कुछ शर्तें रख के हनीमून पे भी चली जाओ। नो डैड, प्लीज नेवर। मेरा बेटा प्लीज, हमारे दोस्त यार बहुत बोल रहे हैं कि तुम्हारी बेटी अभी तक हनीमून पे नहीं गई। प्लीज मेरे खातिर बेटा, प्लीज चले जाओ, कुछ शर्त रख कर चले जाओ। ओके डैड, चली जाऊंगी, पर मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ जाएंगी। ओके बेटा, डन। मेरी खता हो तुम और मेरी पहली और आखिरी। अरे यार क्या बोलते हो। टाइम आउट, टाइम आउट। पहले कपल ने तो दे दिया फटका, आइए देखते हैं दूसरे कपल का झटका। आपकी हसीन जुल्फों को, आपकी हसीन जुल्फों को अपने चेहरे पे गिराए रखना। हम गुमनाम आशिक हैं, आंखों से चूम लिया करते हैं। हमारे जो अगले कपल हैं, उनके साथ उनका महबूब नहीं है, फिर भी वो अपने महबूबा के लिए कुछ कहना चाहते हैं। न जाने मुझे क्यों गुमानो यकीन है कि आशिक मुझ जैसा कोई नहीं है। न जाने मुझे क्यों गुमानो यकीन है कि आशिक मुझ जैसा कोई नहीं है। करता हूँ रब का दीदार तुझमें, तू लगती मुझे इस कदर दिलनशी है, तू लगती मुझे इस कदर दिलनशी।
के विजेता का नाम घोषित करने का। आप जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा मिस्टर राजू जी का। मिस्टर राजू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम गाना गौनी है, रहुआ सभी इतना बढ़िया डांस पेश कहनी है कि हमारे गाना में चार चांद लाग गए। दिल से रहुआ सभी के धन्यवाद बने। रहुआ सभी के दिल से धन्यवाद जोने अवार्ड खातिर हमरा के सिलेक्ट कहनी है सभी। पर ये अवार्ड हमरा के हमार धर्म पत्नी साक्षी जी के हाथ से मिले तो हम के ज्यादा खुशी हो। जी जरूर, आप तो विजेता है, आपकी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। मिसेस साक्षी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यहाँ पर आकर आप अपने हाथों से अवार्ड दें। साक्षी जी, आपके हस्बैंड ने जो बेस्ट कपल का अवार्ड जीता है, मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस बारे में दो शब्द कहें। जी बिल्कुल, दो शब्द क्या, इनके बारे में तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। ये अवार्ड दे रहे जी। पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि ये मेरा पति नहीं, ये मेरे किराए का पति है। मैंने इसे 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ट्रायल पे रखा है। मेरा मन करेगा तो मैं इसे रखूंगी, और मेरा मन नहीं किया
तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली डाइवोर्स हो जाएगा बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के। और आप लोगों को क्या लगता है कि इसकी औकात है ये यहाँ इतने बड़े क्लब में आए? ये गांव का गवार, गली के नुक्कड़ पर 5 रुपए की चाय पीने वाला, इसे यहाँ मैं लेकर आई हूँ। ये कुर्ता पजामा पहनकर गमछा डालकर घूमने वाला, इसको ये कपड़े ना मैंने दिलाए हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे कपड़े ना मेरे घर में नौकर पहनते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये मेरी इज्जत करता है? जी नहीं, ये मेरी गुलामी करता है। इसकी आंखें खुलती है तो मेरे इशारों को समझने के लिए, इसके पैर चलते हैं तो मेरे आदेशों का पालन करने के लिए, और इसके हाथ उठते हैं तो मेरे घर का और मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए। सब कुछ खरीद लिया है मैंने इसका, सब कुछ। इसका जमीर भी खरीद लिया है मैंने। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हो गई पार्टी, चलिए। राजू, रो रहे हो? मेरा बेबी सोना डार्लिंग, आ जाओ। मेरा बेबी मनाना पड़ेगा। ऐसा करते हो ना तुम लोग जब अपनी बीवी पे हाथ उठाते हो? लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम मेरे गुलाम हो, मेरा जैसा मन आएगा तुम्हें वैसा यूज करूंगी अपनी खुशी के लिए। तुम मेरा खिलौना हो, जैसा मन करेगा खेलूंगी तुम्हारे साथ। मैडम जी कुछ ठीक नहीं है। तू बताएगा क्या सही है क्या गलत? लोग बता रहे तेरे मन मैडम ये कुल नशा में कल ठीक नहीं है। तू मेरा गुलाम है समझा? उठी ना तो परमाणु बम जैसन हमरा पर फूट गई। असगरो दोस हमारे कपारे पर मर गए। हे भगवान, तुम तो देखले रहला है ना प्रभु, मत कोनो दोष बचा लिया दिन। राजू चाय ऑर्डर करो। जी जी मैडम, कॉफी चाहे? चाय ऑर्डर करो। हेलो, हाँ रूम नंबर 303 में एक कप चाय। मैडम हम लोरी वॉक पर जाए के सामान की तैयारी कर रहे थे। जल्दी
दिल्ली का गई हमरा के भुलाइए गई बा। हेलो हेलो हाँ माई कैसन बाड़े? माई हम ठीक बानी, ए कैसे बाड़े? एगो माई कैसे रही अपना बेटा के बगैर? अरे बेटा निर्मला अपने घर चल गई, सुगंधा अपने घर चल गई, दोनों के घर बस गए बा। तू ब्याह करके अपन घर बसा लेता ना। हेलो बहुत बढ़िया। हेलो माई नेटवर्क का प्रॉब्लम बा, आवाज नहीं खेव। हेलो भी रखती है, वो भी किराए पे 6 महीने के। हमको भी रख लीजिए, हमको भी रख लीजिए। 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा टोटल 6 घंटा। रास्कल्स, व्हाट डू यू मीन? अब ये भी हमें समझाना पड़ेगा। लग गया नौकर काम पे। ए किरायेदार, इसका ठेकेदार मत बना। वैसे भी ये तुझे अपना पति मानती नहीं, हा? नौकर मानती है। एक काम करना, 2 घंटे के लिए हमें ठेकेदार बनने देना। Thank you.
साक्षी बेटा तू आ गई लो। हाँ दादा। तार सफर कैसन रहा? बहुत अच्छा। डैड। यस बेटा। डैड। कैसी है मेरी बच्ची? बहुत अच्छी हूँ डैड। सारा सफर? बहुत अच्छा। और बढ़िया? जा बेटा जा। अरे जमुना बेटा। हाँ भाई। हमरा तो लगा था कि साक्षी के दिल में राजू खातिर जगह बन गई बा। तार माई अभी जाके पूछा। राजू प्रणाम। खुश रह। प्रणाम। खुश रह। अरे बेटा हमके तो लगा था साक्षी के दिल में तोरा खातिर प्यार जग गई बा। हम समान आराम कर। आराम कर। थक गए। देख लो माई हम कहत रहनी दू शादी के बाद सब ठीक हो जाए। सुबह बुलाया? बताती हूँ डैड। का सुबह सुबह बुला बता दूँ? बताती हूँ दादी, बताती हूँ। राजू को भी तो आने दो। डैड आज शादी को 6 महीने पूरे हो गए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को अपना फैसला सुनाऊँ कि मैं राजू के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी या नहीं। डैड राजू बहुत अच्छा इंसान है। राजू के संस्कार, राजू का व्यवहार, राजू के काम काज का तरीका सब मुझे बहुत पसंद आया। राजू ने मेरा बहुत ख्याल रखा। बहुत लकी होगी वो लड़की जिसको राजू जैसा पति मिले। लेकिन डैड मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में क्या सही और क्या गलत, क्या अच्छा और क्या बुरा, सब पैसों के लालची हैं। अब देखो ना दादी, पैसों के लिए राजू जैसा इंसान भी बिक गया। और वैसे भी डैड राजू जमीन है तो मैं आसमान, राजू पूरब है तो मैं पश्चिम। हम दोनों नदी के वो दो किनारे हैं जिनका मिलन हो ही नहीं सकता। इसलिए आज मैं ये एग्रीमेंट फाड़ती हूँ। और वैसे भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज तो है नहीं, तो आज से हम दोनों फ्री, राजू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खबरदार साक्षी, बहुत हो गई तोहार नौटंकी। राजू के ऊपर कोनो लांछन लगेलू तो ठीक ना होई। राजू लालच में किराए के दामाद नहीं खे बनल। उ अपना दूगो बहिन के घर बसावे खातिर खुद के बेच दिहलस। एगो भाई और बहिन के रिश्ता कैसन होके के चाही, एगो माई और बेटा के रिश्ता कैसन होके के चाही, एगो पति और पत्नी के रिश्ता कैसन होके के चाही। अगर केहू के सीखे के बा, केहू के जाने के बा, तो राजू के पढ़ी। ए बेटा, तू तो ई घर के दामाद बने लायक बड़ा, लेकिन ई घर तोहरा के अपन दामाद बनावे लायक नहीं खे। तू जा ई घर से। बहुत सही मैडम जी, बहुत सही। हमारा जैसन इंसान के यह सिला मिले के चाहे। फर्क तबा अमीरी और गरीबी के फर्क बा हमनी के बीच में, विचार और संस्कार के फर्क बा हमनी के बीच में। अरे तोहरा जैसन लड़की अपना बड़ बुजुर्ग के कभी प्रणाम तक ना कही, और हमरा जैसन देहाती कंवार लड़का वही बड़ बुजुर्ग के पैर के नीचे के मिट्टी के अपना माथे से लगा देगा। मैडम तोहरा जैसन लड़की पैसा के इस्तेमाल रिश्ता के तोड़े खातिर करे ले, और हमरा जैसन देहाती कंवार लड़का वही पैसा से रिश्ता के जोड़े ले। मैडम कोनो रिश्ता ना कुदरती मौत ना मरेला, इंसान मारेला ओकरा के। कबो अपना गलत फहमी से तो कबो ओकरा के नजरअंदाज करके। अरे लोग तक कुत्ता और बिल्ली पालेला तो उसे मोहब्बत हो जाला, लेकिन तोहरा के हमरा से मोहब्बत ना भाई कोनो बात नहीं है।
जरूर कुछ कमी हमरे में रहल हुई। जरूरी नहीं है मैडम जी कि हर रिश्ता के नाम होके, कबो कबो बेनाम रिश्ता भी जिंदगी जिए खातिर बहुत बड़ चीज हो जाएगा। बहुत अजीब बाटे ये दुनिया हो, केहू अपन पूरा जिंदगी गुजार दिला रिश्ता के हमें समझे खातिर, और केहू मतलब खातिर रिश्ता बना बेटा। पैसा से हमरे दू गो बहिन के घर बस गए, जौना खातिर हम आपके एहसानमंद रहब, एहसानमंद रहब मैडम। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। अरे का हो गेल बा, शहर में खाना ना नहीं मिलत रहे का? कितना तू ब्रागेल बड़े। वैसे भी आजकल तू हमार बात ना मानेला। का बात ना मानी हमारी तो? तोहर दोनों बहन के घर बस चुकल बा। अब तनी अपने बारे में सोचा, अपने शादी ब्याह के बारे में सोचा। अब कबले हम रोटी बनाई और तुहरा के खियाई। साक्षी की सारी शर्तों के साथ आज से आप लोग 6 महीने के लिए पति पत्नी हो। Yeah.
लाख मांगब तबो भी मो हमके आईना खाऊ इतना मिलल बजनगी आईना लाख मांगब तबो भी मो हमके आईना अब ततन जिंदगी से आजाद कर देहलू और घर के सब नौकर के निकाल देहलू चाय बना के के दी हम खुद बनावर पिया और हाँ आज से रात में पार्टी करे जाइह तो घर के चाबी लेके जाइह हम दरवाजा ना खोलब देखी ना राजू के माई ये राजू खातिर लड़की एकदम फिट बाड़ी हम कुंडली मिला ले ले बानी कहीं से कुछ काटे लायक नहीं के एकदम सीताराम जैसन जोड़ी बानी एकदम सही कहा तानी बहुत सुंदर बिया बेटा राजू ये देखा था राजू मेरी घड़ी किधर है राजू शिट यार राजू तो है ही नहीं मेरा कोई सामान नहीं मिल रहा क्या करूं किससे पूछूं फोन करती हूँ राजू को मैडम अब ठीक बबाई तोरा के जॉन निकला के कर हम आवत हैं हेलो राजू मेरी घड़ी किधर रखी है ड्राइंग टेबल के ड्रायर में बटे ओके अच्छा मेरा ब्रेसलेट किधर रखा है अलमारी में ओ हाँ राजू मेरी परफ्यूम्स किधर रखे हैं मेरे अरे परफ्यूम पीछे वाला ड्रायर में हाई जाके देखी और बार बार फोन मत करो हमरा के हम रखा था नहीं क्या मेरा फोन रख दिया
फोन कट किया। तुमने मेरा फोन कैसे काटा? ए मैडम जी सुनी, हमने का 6 महीना वाला ही ब्याह का एग्रीमेंट खत्म हो गया। हम आपको पुरान किराए वाला पति नहीं खी, तब बेहतर बाटे कि दोबारा हमरा के फोन मत करिया। चाबी इसको चाहिए राजू, चली जाऊंगी मैं। इसको देखो राजू राजू। क्या है रे? क्या राजू राजू, तू बता क्या तू राजू के बिना जी सकती है? नहीं, झूठ। सच, ये सच है। तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरी लिपस्टिक कहाँ है, तेरा परफ्यूम कहाँ है। हर चीज के लिए राजू राजू राजू। देख क्या हो गया है, कल तक राजू तेरा गुलाम था और आज तू राजू के आदतों की गुलाम है। तू राजू के बिना जीरो है, जीरो साक्षी, जीरो। पेपर है पढ़वा कि साक्षी के बारे में कुछ सोचबो करवा? अरे बेटा क्या हुआ साक्षी, इतना उल्टी क्यों कर रही हो? उल्टी ना करी तो का करी, रात भर दारू पी ले भी, जल्दी फोन करा डॉक्टर के बुलावा। अच्छा अच्छा मैं घबरा मत, अभी अभी लगा दे। साक्षी बेटा जरा सांस लो। साक्षी बेटा डोंट वरी, जरा बाथरूम में जाओ और चेक करके आओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? जमुना दास जी, चिंता की कोई बात नहीं है, अगर मेरा अनुमान सही निकला तो 2 मिनट में आपको नाना बनने की खुशखबरी मिल सकती है। भगवान की बहुत बहुत कृपा। हे भगवान, ओ गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। बच्चा, मैं किसी के बच्चे की माँ नहीं बन सकती।
करने। अच्छा डॉक्टर साहब, नाना बन जाए नू? अरे 100% जमुना दास जी। अरे साक्षी बेटा, कहाँ जा रही हो? डैड, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। हाँ? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ इसका ऑपरेशन कराने। आपने मुझे थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले मारना चाहिए था। मैं पूछता हूँ किस हक से तुम बच्चा गिराने जा रही हो? माँ के हक से। तुम्हारी अकेले का इस बच्चे पर अधिकार नहीं है। तुम माँ हो, तुम्हें इसका नाना। तुम्हारा जो इस बच्चे का माँ, तुम खुद को माँ कहती हो और इस बच्चे को मारना चाहती हो। माँ बनने से पहले अपने भीतर माँ की ममता लाओ। नारी का मतलब समझो। नारी एक माँ के साथ साथ एक बहन भी होती है, बेटी भी होती है। इस धरती पे देवी देवताओं के जैसे अनेक रूप है, वैसे नारी के भी हैं। इसीलिए शायद नारी को एक देवी का दर्जा दिया गया है। जी, तुम्हारे ये मॉडर्न तौर तरीके प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते बेटा। कुछ ऐसे कार्य हैं जो नारी ही कर सकती है, पुरुष नहीं। बेटा, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी सारी चीजें मानी है, यहाँ तक कि मैंने दामाद भी अपने लिए खरीद कर लाया। लेकिन आज मेरे नाती की बात है। ऐसा ना हो कि भगवान करे एक दिन मैं अपने लिए नाती और तुम्हारे लिए बच्चा भी खरीद कर मुझे लाना पड़े। खबरदार, जो इस बच्चे को गिराने का ख्याल भी मन में लाए तो। लड़की नैहर में दो ही बार रोवेली हो, एक बार बचपन में खिलौना खाती और दूसरा विदाई के समय अपना माई बाबूजी खाती। अब भी वक्त पा बेटा, तू अपन घर के बचा ला। राजू बहुत अच्छा लड़का, ओकरा पता चली अपना बच्चा के बारे में तब तुहार सब गलती भुला के तोहरा के माफ कर दी। जा बेटा, एक घर के बड़ बुजुर्ग होके के नाते हमार फर्ज रहा है तोहरा के समझावे के। आगे तुहार मर्जी। तुमने मुझे पितृऋण से मुक्त कर दिया। दादी, खुश रह, सदा सुहागन रहा बेटिया। उनके रंग में चुनरी रंगायब, अब न कब होने न चुरायब, माता जन्म जन्म के निभायब, अपने राम से। Thank you.
लोग खुशी खुशी जाई आप बियाह के तैयारी करिए। अरे पंडित जी अच्छा अच्छा बड़ा अरे इकुल के का जरूरत बा खारा जाई रउआ सबे बिया के तैयारी करी समझी कि रउआ घरे साक्षात लक्ष्मी आवत बाड़ी तो रउआ एक मिनट पंडित जी राजू ये क्या ड्रामा चल रहा है राजू बेटा ये लेखी के है हमके नहीं पता माई पता नहीं मैं बताती हूँ माजी मैं इसकी पत्नी और आपकी बहू हूँ बहू कहाँ बोलती आई अब माई लेकी झूठ बोलती है झूठ बोल रही हूँ मैं झूठ बोल रही हूँ अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो खाओ अपनी माँ की कसम और बोलो कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ हमारा माई के बीच में ले ही लेना तो हमारा खतरा से मुंह लाल हो जाए शादी शादी कर रही है ना तो सुन शादी हुई थी हमारी पर कैसे हुई थी याद है ना अरे एक ऐसी शादी जिसमें तुम पत्नी नहीं पति की भूमिका में थी और मैं तुम्हारा पत्नी बनकर गया अरे मैडम जी आपको क्या पता शादी क्या होती है शादी दो जिस्मों के साथ साथ दो आत्माओं का मिलन होता है जिसे एक पंडित गांव और समाज के सामने सात वचनों से बांधता है जिसमें दो अजनबी लोग एक साथ मिलकर एक सफर की शुरुआत करते हैं और आपने क्या किया अरे आपने तो अपनी शादी को सात शर्तों के साथ शुरू की थी शर्त कि मेरी शादी कोर्ट में होगी शर्त कि मेरी शादी छह महीनों के लिए होगी जिसमें मैं आपकी पत्नी बनकर रहूंगा और आप मेरी पति बनकर रहेंगे अरे आपको क्या पता कि शादी क्या होती है शादी के बाद दो जिस्म मिलकर के एक नए जीवन का आधार बनते हैं लेकिन आपने क्या कहा था याद है आपको आपके शब्द कि राजू बंद कमरे में मेरे सामने 3 फीट की दूरी पर है ना और मेरे दोस्तों के सामने 6 फीट की दूरी पर हमारी और तुम्हारी ये जो 6 महीने की शादी थी वो खत्म हो गई और खत्म होते ही तुमने क्या कहा था राजू तुम बहुत अच्छे हो तुम किसी का भी दिल जीत सकते हो लेकिन मेरा दिल नहीं जीत पाए तुम मेरे पति नहीं बन सकते गलती न तुम्हारी थी न गलती मेरी थी तुमने मुझे पैसा दिया मैंने तुम्हें अपने आप को बेचा तुम्हारे पास पैसे थे और मेरे पास मेरी मजबूरियां दरअसल वो सब एक ड्रामा था पर यहां कोई ड्रामा नहीं चल रहा यहां मेरी शादी चल रही और ये शादी मैं करती हूं तुम यहां से जा सकते हो राजू मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं उसमें तुम्हारी गलती है मेरी कोई गलती नहीं बेहतर होगा तुम यहां से चली जाओ देखती हूं कैसे करते हो तुम शादी कैसे लाते हो मेरी सौगंध मैं कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहीं रहूंगी ये मेरा घर है बिटिया तू ठीक से पहुंच गई लू ना वहां सब ठीक बा नू नहीं दादी यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है राजू एकदम बदल गया है वो दूसरी शादी कर रहा है बेटा तू हिम्मत मत हारिया ये लड़ाई कोनो संपत्ति के ना तोहरे सिंदूर के बा और ये देश की नारी अपना सिंदूर के रक्षा करे खातिर स्वयं यमराज से लड़ ले बड़ी फिर इंसान के का औकात बा बेटा ये लड़ाई में यहाँ से तोहरा साथे केहू ना जाए ये लड़ाई तोहरा खुद लड़े के बा और जीते के भी बा हमनी के कुछ दे सकीले तो तोहरा के आशीर्वाद दे और तू अपन ख्याल रखिया बेटा अच्छा बेटा फोन रखा था नहीं अपना और अपन होके वाला बच्चा के ध्यान रखिए पता ना ये राजू के का हो गई हाँ आपने सही कहा दादी ये लड़ाई अगर धन दौलत की होती तो मैं एक बार हार मान भी जाती लेकिन बात मेरे सिंदूर की है और मैं हार नहीं मानूंगी राजू बेटा माई
रानी से ही बात छिपौनी। हमरा के माफ कर दिया माई, हमरा के माफ कर दिया। बेटा तू माफी काहे मांगा तारा? आज हमरा के तारा त्याग के बारे में जानते, तारा बहन से तार बहन के प्रति प्रेम के बारे में जानते हमरा के गर्व हो रहल बा। हम अपना आप के बहुत खुश नसीब माना तानी कि तोरे जैसन लेका हमरा कोखी से जन्म लेलस। हाँ भैया, राखी के कर्ज तू अपना के बेच के चुकावला, भगवान हर बहन के तोरे जैसन भाई देस। राजू वो लड़की के का होई? हाँ राजू, निर्मला ठीक कह दिया, लड़की के का कहल जाए। ब्याह तो हम कोनो भी कीमत पर कर देगा भाई। दस बजे कौन पूजा होता रे? तो मुस खा के बिलार भली भगतिन वाला हाल बाए थे। तेरू के कर असलियत हम बतावा था। देखले माई असली आती है करी है का हो कहत वोटका के संग चखना मंगवा दी मछरी तलवा दी तोहरा खाते। अरे एक नंबर का नाटकी हरे आगे यहाँ से। काम बना नहीं, क्या करूं? भोजन ट्राई करती हूं लेकिन क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। लिट्टी चोखा बनाती हूँ, राजू को बहुत अच्छा लगता है लेकिन बनाऊंगी कैसे? आइडिया बनाती हूँ, अब तो मैं राजू का दिल जीत के रहूंगी। तो नहीं है पर देख लेती हूँ। हाँ देख लिया, एक ब्लैक है और एक वाइट। एक बार बनावा जॉन मंत्री, हमको सारे परिवार के लिए खाना बनाना है आज। क्या बनेगा? लिट्टी चोखा बनाऊंगी नेट पे देख के। ठीक बना, जॉन मन करे करा। जो भी हो आज तो लिट्टी चोखा बना के रहूंगी, राजू का दिल जीतना है मुझे। नमस्कार, हम चोखा सिंह स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल मेक डिलीशियस लिट्टी चोखा में। चोखा सिंह हाँ तो सबसे पहले भैया भौजी माता बहन जे भी बना
रोटी चोखा सबसे पहले उपला ले। उपला? उपला क्या होता है? उपला नहीं बुझे, अरे भाई कोई ठोस चिपारी। समझ में आया बुझाया? अब आइए मम्मी जी। हाँ तो जी, अब अगला जो सामग्री है वो है मम्मी जी। अरे अब का भेल? उपला क्या होता है? चिपरी होला, चिपरी दे दीजिए। ए निर्मला, एकरा के चिपरी रखे दे। ठीक बा माई। ईला चिपरी। हाँ, अलगा लिया। थैंक यू। इस प्रकार उतरा जाने के बाद आटा ले, सत्तू ले, नमक ले, हरी मिर्च ले, लहसुन ले, पानी ले, टमाटर ले, जवाई ले, मंगराई ले, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, जलावे खातिर तो माचिस जरूर ले। जल्दी मंगाइए इसे। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे आपका भाई जी, आटा, मिर्ची, लहसुन, सत्तू, चुप जाके, सरसों का तेल भी दे दीजिएगा और चिपरी जलाने के लिए मिट्टी का तेल और माचिस भी दे दीजिएगा। अरे चुप रह। ए सुगंधा, एकरा के लिट्टी चोखा बनाए खातिर सारा सामान लाके दे और चूल्हा जलाए खातिर भी। ठीक बा। अब अगर सारा सामान आ गया हो तो सबसे पहले आटे को हाथ में ले। अब अगर आपको ये भी ज्ञान नहीं है कि आटा कैसा होता है, जीवन में पहली बार लिट्टी चोखा बना रहे हैं, महानिरा निपट मूर्ख आदमी है, तो हम बताते हैं सफेद होता है आटा और पीला होता है सत्तू। और मिट्टी का तेल ले। मम्मी जी पानी दे दीजिए। अब का भाई? पानी पानी इलाके दे रेख रखे और मिट्टी का तेल। इला पानी, ये मिट्टी के तेल और कुछ बाकी बा तो बोल। अब मिट्टी के तेल को डालें। वैसे मिट्टी के तेल से ना हमको अपने जीवन का एक बड़ा ही रोचक बात है याद आ गया कि हुआ कि एक मोहतरमा थी, वो हमारा वीडियो देखकर लिट्टी चोखा बना रही थी। हमने बोला मिट्टी का तेल डालो, पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिट्टी का तेल डाल दिया आटे में। आपको आटे में नहीं डालना है, आपको डालना है उपले में। ओके। अब अगर मिट्टी का तेल पड़ गया हो तो आप जलाएं। जलाइए जलाइए, अरे जलाइए ना। जला दीजिएगा वो मूर्ख मोहतरमा की तरह। सबसे पहले ये बताइए, आप हमारा वीडियो देख रही है, आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, घंटा दबाया कि नहीं? दबाइएगा प्लीज। अब उबला जल गया हो तो उसको आरा बन दे। अब पानी को डालिए डालिए डालिए, बड़ा मजा आने वाला है। पानी को डाल दीजिए आटे में। आटे में पानी डालो। अरे डालिए ना, अरे डालिए तो सही, अरे डालिए ना। लेकिन इस बात का ध्यान डाल दिया उतना मत डाल दीजिए कि आटा जो है वो लबरी बन जाए, गूंथने तक ही डालिएगा। अब जो आगे की विधि है वो ये अब जो है टमाटर
का है रे? अरे घरवा में इतना धुआं कैसे? लिट्टी चोखा बनता। ये देखा लिट्टी चोखा। हाँ भैया जा खा लो। ये लिट्टी चोखा बनाओ तड़ी। बाप रे बाप। देखते मन भर गए कि हम ना खाए चावल दाल बना दे हमरा खाते चलो हे प्राण पेट तो हमरो भरल लगता ओकरे खातिर दाल चावल बना देता नहीं अच्छा हम हो ना खाए आ हमरो पेट भरल बा छाऊ कहा खटिया पर महामारी के तरह फैल के सुतला में नींद बड़ा बढ़िया आवेला जितना बढ़िया नींद नीचे ना आवेला उतना ऊपर आवेला जैसी करनी वैसी भर देख रहे हो ना मुन्ना तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी के ऊपर कितने अत्याचार कर रहे हैं हे महादेव अरे महाराज कम से कम इतना तो ज्ञान देले रहता कि लोग के ही पता होके कि लड़का जब 3 महीना का होला तब ओकर हार्ट बीट चलल शुरू होला हे ईश्वर हे ईश्वर बेटा तुम्हें बड़े होकर अपनी मम्मी पे हुए एक एक अत्याचार का बदला लेना है अच्छा लड़का हमार पैदा ना भइल प्रभु अब बाप के मारे के सुपारी दिया लगा लोग के घोर कलयुग प्रभु घोर कलयुग मुन्ना मैं तुम्हें अपना दूध पिलाऊंगी अपनी माँ के दूध का कर्ज पूरा करना है अपनी मम्मी पे हुए अत्याचार का बदला लेना है बेटा टेंशन मत ली है तोरी माई तोरा के दूध पिए है कि ना पिए कर कोनो गारंटी नहीं खे बाकी तोरा खाते दूसर महतारी का व्यवस्था हम कह देले बानी वो तो पक्का दूध पियाई लात मत मार मुन्ना ताकत बचा कर रख बाहर बहुत लात मारनी है अभी तो ये अंगड़ाई है बाहर बहुत लड़ाई है यलगार हो मुन्ना यलगार हो हे महादेव बाहरे अमेरिका रिटर्न ए भगवान कौने स्कूल में पढ़ ले हमसा जोना के ई जानकारी नहीं खे कि लड़का जब 5वां महीना में पहुंचे न सब तब लात मारे न सब अब 1.5 महीना का लड़का कैसे लात मारे खैर एनर्जी वेस्ट कर बहुत बेकार बात होला हम तो भैया नींद आवता चल नहीं सोते गुड नाइट भगवान जी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
संग चंपा चंपा ओ सौतन तुम अगले जन्म आना सब हो गया मम्मी जी दीदी जी जल्दी आइए देखिए ये सब क्या हो गया कहां भाई मम्मी जी ये सब टूट गया ये देखिए राजू संग चंपा ओ सौतन तुम अगले जन्म आना बाप रे मम्मी जी मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई प्रेत का साया है उस लड़की के पैर इस घर के लिए शुभ नहीं है मम्मी जी राजू की जान को कोई खतरा हो गया तो कारे नौटंकी भाई इका नया नौटंकी शुरू कर ले बड़े तोरा नौटंकी का है लोग ना पूछी बाकी हम बुझा था नहीं बहुत दिन झेल ले बनी तोरा के सुन ते कितना नौटंकी कर ले बाकी बिया हम कह के रहा बुझाई चल माई गजबे बाई चल इस गो साड़ी देखा चपत के रख देले बानी हो चाची ई देखा साधन गहना भी बाटे और ये लिपस्टिक नेल पॉलिश कुल सामान बाइन कर सिंगार के माई ये पिंक साड़ी बड़ा निमल लागत आ केकरा खातिर वही साड़ी ई साड़ी के तो कोनो जोड़े नहीं थी जोड़ा होयो ना सकेला माई आखिर रियल बतोरा बहु खा चंपा के फोन कैले रहनी है तो कहत रहली कि ओकरा के पिंक कलर बहुत पसंद है ताहे पिंक वाली साड़ी ओकरा कहले पले अच्छा तो भौजी खाते बड़ा नीमन साड़ी ले ले बड़ा हां माई घर के होखे वाली आन बान शान भी आ तो ओकर तक ख्याल रखे के पड़ी चलो तो लोग अपन काम करे जा हमरा के दूसर काम बाटे ठीक बा बढ़िया से करके बन के सब तो मेरी पसंद है टेंपे की बीच हां Thank you.
जाओ राजू। राजू आज मैं आखिरी बार तुमसे पूछने आई हूँ, क्या तुम इस शादी से खुश हो? क्या तुम ये शादी करके ही रहोगे? अरे हम खुश ना, बहुत खुश बानी है शादी से, और ये शादी हम करके रहेंगे। बहुत इच्छा किया मैंने तुम्हारा, दिल्ली से लेके गांव तक, पर अब नहीं करूंगी क्योंकि तुम खुश हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थक गई मैं, लेकिन अपने आंसुओं की लड़ी से हमारे इस टूटे हुए रिश्ते की कड़ी को नहीं जोड़ पाई। याद रखना राजू, हमारा ये रिश्ता पेपर पे जुड़ा था और पेपर पे ही टूटा, लेकिन ये रिश्ता मेरे दिल से कभी नहीं टूटेगा। फूल से ही सही, मेरी कोख में पल रहे हमारे इस रिश्ते की निशानी को मैं जन्म दूंगी और इस दुनिया को बताऊंगी कि प्यार का रिश्ता ना तो पेपर पे जुड़ता है और ना ही पेपर पे टूटता है। ये तो ऐसा बंधन है जो दिल से जुड़ता है और सांस टूटने पे ही टूटता है। जा रही हूँ राजू, अपनी कोख में तुम्हारा अंश लेके मैं इसे जन्म दूंगी, जरूर जन्म दूंगी। तुम्हारी परछाई मैं इसमें देखूंगी, गैर तुम हो जाओगे, बेगानी मैं नहीं। अपने नाम के आगे किसी और का नाम तुम जोड़ोगे, मैं कभी नहीं जोड़ पाऊंगी। तुम्हारे नाम के सहारे ही जीऊंगी मैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना राजू, मुझे माफ कर देना, बस इतना ही कहना था। अब जा रही हूँ। अरे कम से कम जाए से पहले एक बार अपनी होखे वाली सौतन के चेहरा तो देखना। शादी खातिर हाँ करे के पड़ा, फिर देखा जहिया हमारे बार अच्छा चढ़त रहे वही दिन तू आ गई और हमन के मुगल रिश्ता के एक बार फिर से जिंदा कर दे। अब गांव समाज और हमारा पूरा परिवार के पता चल गई कि हमन का ब्याह भइल रहे। और फिर माई दूसर ब्याह करे के तो हमारा मन में रहबे ना कहे, वो तो बस तोरा खुशी खातिर करत रहे।
और अब तो साक्षी भी आगिल बनी तो जेकर बार अच्छा लेल बनी या ओकर बार अच्छा बुला के लौटा दिया। बात तो एकदम सही कहा था, बाकी जंगल में मोर ना चल के देखलस तू ब्याह भी कहला तो ऐसे कि गांव ज्वार में केहू के पता भी ना चलल। अब हम चाहता नहीं कि त्योहार ब्याह ऐसे होके कि गांव ज्वार में सबके पता चल जाए। जरूर धूमधाम से ब्याह और सबके पता चले, लेकिन एक बात, ए बात के पता साक्षी के बिल्कुल भी ना लागे के चाहिए। उनका के यही लागे के चाहिए कि हम दूसर ब्याह करत नी। ठीक बा, तई रहल हा हमने के प्लान। अरे बेटा साक्षी, राजू के इस प्लान में हम और दादी भी शामिल थे, रोज फोन पर अपडेट लेते थे। साक्षी बेटा, कागज के एग्रीमेंट पर घर होला, जमीन होला, जायदाद होला, शादी ना होला, अब तहार शादी होई। आप सही कह रही हैं दादी, हल्दी तिलक शादी के रस्म रिवाज क्या होते हैं, ये सब मैंने गांव आके सीखा दादी। मैंने बहुत कुछ मिस किया दादी, गांव आके मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया दादी। जजमान, शादी के मुहूर्त निकल जाता है, दुल्हन के तैयार कर लिया। एक मिनट, मुट्ठी भर नहीं, मुट्ठी भर सिंदूर। तोहरा बिना हम कहीं अधूरा है रानी हो, तोहरे नावे कोई दिल बनी जिंदे।